बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर बशीर खान है, मैं प्रोफेसर कार्डियोलॉजी हूँ। आज का मौजूद इस लिहाज से बहुत अहम है कि हम एक नई कोविड वेरिएंट के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे जिसका नाम है डेल्टीक्रॉन। यानी डेल्टीक्रॉन ये कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, अब तक की जो मालूम है उसके हिसाब से ये साइप्रस में इसको डायग्नोज किया गया है, जिसमें उन्होंने डेल्टा और ओमिक्रॉन को दोनों को मिला के एक नई वेरिएंट उनको मालूम हुई है, जिसका नाम उन्होंने डेल्टा क्रोन दिया है। अभी तक इस डेल्टा क्रोन से तकरीबन 30 से 35 लोग जो है साइप्रस से मुतासर हो चुके हैं, और जो मेरे कुछ हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं, और कुछ को सीवर इन्फेक्शन हुआ है, किसको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है। अभी तक इसके मुतालिक पूरी आगाही नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे आगाही आती रहेगी मैं इसके मुतालिक आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। लेकिन ध्यान रखिए कि ओमिक्रॉन के बाद ये डेल्टा क्रोन भी पाकिस्तान में आ सकती है, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि दुनिया इस वक्त एक ग्लोबल विलेज हो चुकी है। ओमिक्रॉन जो है वो साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ था, जो पाकिस्तान में पहुंच गया। ये साइप्रस में बिल्डअप हुआ है, ये साइप्रस में जाहिर किया गया है। ये कब पाकिस्तान पहुंचता है हमें मालूम नहीं है। जैसे ही इस मुताबिक हमें मालूम मिलेगी मैं आपको उसकी मालूम पूरी दूंगा। लेकिन मैं फिर आपको ये मैसेज दे दूं कि अगर आपने कोविड से किसी भी वेरियंट से बचना है तो उसके बचने का वाहिद हल जो है वो वैक्सीनेशन है। आप जितनी ज्यादा तेजी के साथ वैक्सीनेशन करवाएंगे उतना ज्यादा चांसेस ये हैं कि आप कोविड की कोई भी वैक्सीन जो है या कोई भी वेरिएंट जो है वो आपको इस चीज से दूर रखेगी। मानूं कि कोविड कब तक रहेगा, लेकिन ये अंदाजा हो गया है गुज़र 2 साल के अंदर ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हो गया। हमने इसके साथ रहना है, इसके साथ जीना है, लेकिन इसे बचने का वही तरीका अभी तक जो कंफर्म्ड है, जिसे सब लोगों को पता है, वो है सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन। तो आप लोग वैक्सीनेशन करवाइए ताकि आप कोविड से बच सकें। ओमिक्रॉन आए, डेल्टा क्रोन आए, कोई भी आए, वो तमाम की तमाम वेरिएंट जो है उससे आप अगर वैक्सीनेटेड हैं तो इंशाअल्लाह जरूर बच सकेंगे। और उसके साथ साथ ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोविड होता भी है तो बहुत माइल्ड टाइप का होगा और आप इंशाअल्लाह ताला अस्वस्थ नहीं होंगे। लेकिन याद रखिए जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है उनको कोई भी वैक्सीन कोविड का वेरिएंट लग जाए, कोई भी लग जाए, वो उनको काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है, जैसा कि अब तक के ऑब्जर्वेशन के लिहाज से हमने यही देखा है। एहतियाती तदाबीर जो अब तक बताई जा रही है कि मास्क पहनना, हाथों को धोना और पुरुषों जगह बचना, इस पर अमल करते रहिएगा। मैं चाहूंगा कि आप इस मैसेज को आगे ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और अपने घर वालों को, दोस्तों को, अहबाब को इसके मुतालिक मैसेज मुतालिक ज्यादा से ज्यादा आगही दें ताकि सबके साथ वैक्सीनेशन कराएं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल हार्ट हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरे आइंदा आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपका सेहत मुतालिक, खासतौर पर दिल के मुतालिक किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो उस सवाल को आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।